नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब की जनता के लिए उनकी मूलभूत सुविधाओं पर खास फोकस कर रहे हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ पेयजल और सीवेज की समस्याओं को भी दुरुस्त करने का पंजाब सरकार ने प्रयास शुरू कर दिया है और इस दिशा में काम भी तेजी से हो रहा है। इसी क्रम में पंजाब के पटियाला, पंचकुला और फतेहगढ़ साहिब में, समाना, भादसो और मंडी गोविंदगढ़ में जल आपूर्ति और सीवरेज से संबंधित विकास कार्यों के लिए तकरीबन 11.65 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया गया है। पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर इंदरवीर सिंह निज्जर ने बताया कि विभाग ने इन कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने जानकारी दी है कि पंजाब जल सप्लाई और सीवरेज बोर्ड की तरफ से पटियाला के समाना में पांत्रा की मुख्य सड़क से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक नई सीवरेज लाइन बिछाने और सीवरेज में संबंधित कई अन्य कार्यों के लिए 5.98 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसी तरह भादसो में सीवरेज की सुविधाएं मुहैया करवाने और अन्य कामों पर लगभग 1.44 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा पंजाब सरकार की तरफ से फतेहगढ़ साहिब की मंडी गोविंदगढ़ में भी वाटर सप्लाई और सीवरेज से संबंधित कार्यों के लिए 4.23 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अलग अलग आकार की वाटर सप्लाई लाइनें बिछाने और पावर सप्लाई और सीवरेज से संबंधित कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा पंजाब सरकार की तरफ से फतेहगढ़ साहिब की मंडी गोविंदगढ़ में भी वाटर सप्लाई और सीवरेज से संबंधित कार्य के लिए 4.23 करोड़ रुपए खर्च होंगे और अलग अलग आकार के वाटर सप्लाई और लाइनें बिछाने और जल सप्लाई और सीवरेज से संबंधित कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा स्थानीय निकाय विभाग की तरफ से जल सप्लाई और सीवरेज से संबंधित अन्य कई कार्यों के लिए ई टेंडर भी प्रकाशित किए गए हैं। पंजाब सरकार प्रदेश के लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन मुहैया करवाना चाहती है। उन्होंने जल सप्लाई और सीवरेज बोर्ड के अधिकारियों को हिदायत दी है कि इन कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।